बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यूपीए गवर्नमेंट पढ़ेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटी बेटियां, एनडीए गवर्नमेंट। ये बात शासन प्रशासन का सामाजिक व्यवस्था में अहम रोल होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ शासन प्रशासन तक ही है? ये हम मानते हैं कि इसकी कमी है, लेकिन इसमें सामाजिक व्यवस्था भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम लड़कियों को देखा जाए तो समाज में अपना एक चरित्र बना के रख दिया है, अपनी इज्जत बना के हमें देखा जाता है कि हमारे घर की इज्जत है। समस्या यहीं पे होती है कि आप हमें सिर्फ इज्जत के तौर पर देखते हैं। दो परिवारों में झगड़ा होता है तो उसके घर की इज्जत बर्बाद करनी है तो लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। समाज में अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर हम लड़कियों ने कह दिया तो अगर हमें कोई उल्टा बोलता है, हमने कह दिया तो हमें बर्बाद करने के लिए और कुछ नहीं किया जाएगा, हमारी इज्जत पर अटैक किया जाएगा, जो हम रेप के रूप में देखते हैं। इस तरीके की जो सामाजिक समाज में हम कुरूतियाँ देखते हैं, क्या ये सिर्फ ऐसे ही उत्पन्न हो गई हैं? ये वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है जिसको हमें देखना होगा। और शासन प्रशासन की कमी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो उससे हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और हम उसे इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके और हमें हमारे को सुरक्षा पूरी तरीके से दे सके, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इसको पूरा करती हुई नहीं दिखाई देती है। तो आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, सर ने भी कहा कि यहाँ पे तस्वीरें बदल जाती हैं लेकिन प्रतिरोध के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं। क्या हम सबकी मानवता खत्म हो चुकी है? क्या हमारे अंदर कुछ बचा है जो ये एक लोग, मतलब एक संगठन दो संगठन कुछ लोग खड़े हैं? यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतनी भारी संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्यों नहीं सब प्रोटेस्ट करते हैं? एक किसी दूसरे तबके के साथ जब यहाँ पे महिलाओं का शोषण दोहरे तरीके से होता ही है, समाज के रूप से भी होता है, पारिवारिक रूप से भी होता है, और जब जाति आ जाती है तो इसमें तो और अच्छी तरीके से शोषण होता है। एक ऊपर कानून व्यवस्था का समाज का अलग शोषण होता है, परिवार में अलग शोषण होता है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है और इसमें जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी बहुत अहम भूमिका दिखाई देती है। इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगी कि हम लोग एक हो के, मतलब कोशिश करें कि हम लोग, जैसे हम लड़कियाँ इस इंसिडेंट के बाद हमारे अंदर ऑब्वियसली डर पैदा हुआ। जब मैंने रात को इसको पढ़ा, मुझे कल पता चला और मैं सुबह अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ तो वो मेरे से 36 मतलब बातें कहने लगे, बेटा टाइम पे आ जाए करो, डर लगता है इन्हीं चीज़ों से उन्हीं चीज़ों से। तो हमने कहा आप कब तक बचा लेंगे, कब तक हम घरों में बंद रह के रहेंगे? हमें निकलना तो पड़ेगा ना समाज में, यहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए। आप जैसे घर में आप एक परिवार है, दूसरे परिवार है, सबको इन चीज़ों पे सोच के और आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ बढ़े तो शायद हम जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो हम भी उस भय के माहौल से निकल सके। चला रही है लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, क्या लड़कियाँ पढ़ेंगी कैसे? क्या लड़कियाँ सुरक्षित हैं पढ़ने के लिए? क्या वो घर से बाहर पढ़ने के लिए निकल रही हैं तो क्या वो सुरक्षित घर लौट सकती हैं? सरकार अगर लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कीम चला रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? बार बार ये इंसिडेंट होते हैं, पहला हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, क्यों होते हैं बार बार? हम विरोध करते हैं लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जैसे कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था दामिनी वाला, तो उस टाइम पे सब लोग इंडिया गेट पे इतना ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन अब हम कितने लोग हैं? हमारे समाज के लोग हैं कहाँ पे? वो किसी मतलब हम लोग आगे नहीं आएंगे इन चीज़ों के खिलाफ तो ये चीज़ें बंद कैसे होंगी? हम कितने लोग हैं, 20 लोग 25 लोग, बाकी लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे आगे? तो ये इंसिडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उसका विद्रोह नहीं करते हैं। एक लड़की होने के नाते मैं यूनिवर्सिटी में अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो मैं खुद को भी सेफ फील नहीं करती हूँ, तो लड़कियाँ कहाँ से पढ़ेंगी, कहाँ आगे बढ़ेंगी? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बार बार ये केस हो रहे हैं, इनका हमें रोकना चाहिए, हमें आगे बढ़ेंगे तभी ये रुक सकते हैं।